सारा खान, आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी। आइए देखते हैं आज की यह खास न्यूज। वल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक पंडित मूलचंद शर्मा से हमारे परी संवाददाता विनोद वैष्णव ने की खास बातचीत। बीजेपी विधायक पंडित मूलचंद शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की वजह से वल्लभगढ़ विधानसभा में 700 करोड़ के विकास कार्य हुए हैं और साथ ही उन्होंने बताया कि कांग्रेस व कांग्रेसी नेता झूठ की राजनीति करते हैं और बीजेपी हाईकमान और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का आशीर्वाद रहा तो जरूर जनता मुझे दोबारा से विधानसभा में भेजेगी। लेकिन हमारे पत्रकार विनोद वैष्णव ने वल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक पंडित मूलचंद शर्मा से पूछा कि पंडित मूलचंद शर्मा और बीजेपी पर जातिवाद और धर्मवाद की राजनीति करने का आरोप लगता है, तो आइए जानते हैं क्या कहते हैं विधायक पंडित मूलचंद शर्मा। नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं बल्लभगढ़ के बहादुर विधायक पंडित मूलचंद शर्मा जी। उनसे हम जानेंगे कि 4.5 साल के विकास कार्य को लेकर के वो दोबारा जनता के बीच में जाएंगे, किन मुद्दों पर वो दोबारा से चुनाव लड़ेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, किन मुद्दों को लेकर आप दोबारा चुनाव लड़ेंगे? जो आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है और बल्लभगढ़ में जो 40 साल में जो विकास हो नहीं पाया वो 4.5 साल में विकास हुआ है। बल्लभगढ़ में जाइए, शिक्षा के क्षेत्र में बात करो, शिक्षा के लिए कॉलेज का निर्माण हो रहा है, 7.5 करोड़ के 2 स्कूल बन के तैयार हैं, कहीं 40 लाख का स्कूल है, कहीं 70 लाख का, कहीं 10 लाख का, और शिक्षा पर 36 करोड़ रूपये शिक्षा के क्षेत्र में खर्च है। और मैं कहूँ जहां से हरियाणा बना है, जहाँ कॉलेज नहीं था, जहाँ शिक्षा मंत्री भी रहे, और उसके बावजूद पहली बार जो बल्लभगढ़ जो तहसील है सबसे पुरानी तहसील है, उसमें मनोहर लाल जी के नेतृत्व में कॉलेज बन के तैयार हुआ है, स्कूल बन के तैयार हुए हैं, और शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ जहाँ सामुदायिक भवन शहर में हुए हैं, 11 सामुदायिक भवन हैं जिनके 7 कंप्लीट हो गए हैं, 4ों पे काम चल रहा है। सेक्टर 62 का सामुदायिक भवन देखिए 3.5 करोड़ का, सेक्टर 2 का सामुदायिक भवन देखिए, सेक्टर आदर्श नगर का सामुदायिक भवन देखिए, सेक्टर 2-3 का देखिए, और मैं कहूँ आदत आपके विजयनगर जहाँ आप रहते हैं वहां सामुदायिक भवन तैयार हो रहा है। इस तरह के 11 सामुदायिक भवन हमारे शहर में बनकर तैयार हो रहे हैं। सर, लगभग कितने करोड़ के विकास कार्य अभी तक बल्लभगढ़ में हुए हैं 4.5 साल? आज मैं अपने हरियाणा सरकार के नेतृत्व में जो विकास कार्य है, बल्लभगढ़ में कम से कम 700 करोड़ का विकास कार्य है, 523 करोड़ का मेट्रो के नाम से मुख्यमंत्री जी ने दिए। मेट्रो जब आई 6 फरवरी 2015 को, जब हमारे विधानसभा की जो असेंबली हुई उससे मनोहर लाल जी ने 523 करोड़ का अपने मेट्रो के लिए किया, इसके लिए प्रोजेक्ट दिए। और क्षेत्र में पुल देखिए, शहर में 7 फ्लाईओवर बन के तैयार हैं, 7 फ्लाईओवर, सड़क देखिए 125 किलोमीटर, 100 किलोमीटर सीवर लाइन बन के तैयार हो गई। विधायक जी, बीजेपी के राज में क्राइम बढ़ता जा रहा है और लोगों का आरोप है कि बीजेपी सिर्फ उगाही पे लगी हुई है, क्राइम पे कोई लोगों का क्या कहना, लोग अपने अतीत को देखें, लोग जो कहने वाले अपने आप को देखें, वो क्या हैं, क्या कहना चाहते हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, न विकास का मुद्दा है, न काम का मुद्दा है, और क्राइम पहले भी हुए, क्राइम होते रहेंगे, क्राइम पहले से कम हुआ है, तो दूसरे मित्र क्या कहते हैं, उनको काम तो है नहीं, न काम उन्होंने करके दिखाया। और आज देखिए शहर में सारी चीज कानून व्यवस्था है, सब काबू में है, और किसी की आपस में भाई की लगी हुई है या किसी की दुश्मनी है, वो भाई की जमीन बंटवारे के हैं, ये क्राइम नहीं है, ये आपसी लागबाजी है, और उस पर कोई पुलिस तो जाकर बैठे कि नहीं, भाई भाई के मार रहा है, किसी के कोई ये बताइए किसी से लूट हुई हो, डकैती हुई हो, किसी से उहाई चल रही हो, किसी के मकान दुकान पे कब्जे हुए हो, ये क्राइम गिनती है। विधायक जी, बीजेपी पर धर्मवाद और जातिवाद का आरोप लगता है। बीजेपी 36 राज्य की पार्टी, अगर बीजेपी पर जातिवाद का आरोप लगता तो पूरे भारत में जो बीजेपी को नेतृत्व मोदी जी के नेतृत्व मिला, हरियाणा प्रदेश में नेतृत्व मिला है, कभी इतिहास में मिला नहीं। आज 303 भारतीय जनता पार्टी के हैं, 50 अपने जो सांसद है दूसरे एनडीए के साथी हैं वो हैं। अगर ये जातिवाद का मुद्दा, धन का, बल का, जातिवाद का लगता तो लोग इस तरह के वोट नहीं देते। विधायक जी, दोबारा से चुनाव नजदीक है, दोबारा से आप विधायक बन करके जाएंगे, बल्लभगढ़ की जनता की आवाज है, लेकिन सबसे पहला विकास कार्य क्या होगा दोबारा बनने वक्त जो अब तक नहीं हो पाया? बल्लभगढ़ में वही काम हो रहा जो अब तक नहीं हो गए, जो मैंने बताया आपको, चाहे मैंने
पानी के बारे में बात करी, चाहे मैंने सीवर के बात करी, सड़क के बात करी, फ्लाई ओवर की बात करी, एजुकेशन बात की, जिमों की बात करी, एडिटोरियम इंडोर स्टेडियम की बात करी, मिनी सेक्रेटरीट की बात करी, ये सब पहली बार बल्लभगढ़ में विकास हुआ है। आप सेक्रेटरीट कहाँ था, देखिए सेक्रेटरीट के काम चालू है, ऑडिटोरियम नहीं, ऑडिटोरियम अपने ओपन कर तैयार हो रहा है, ये सारे विकास पहली बार अपने विधानसभा जिस रोड से आप चल रहे हैं, ये 10.5 करोड़ की लागत से रोड बनकर तैयार हुआ है, ये 2 फ्लाईओवर आपके साथ हैं, ये बनकर तैयार हुआ, अगला बनकर तैयार हो रहा, 1 फ्लाईओवर आपके सामने, ये बनकर तैयार हुआ। तो मेरा कहने के बल्लभगढ़ के इतिहास में जो काम पहले कभी नहीं है वो बल्लभगढ़ में विकास में होने जा रहे हैं, और बल्लभगढ़ के लिए आने वाले समय के लिए बल्लभगढ़ राजा बल्लू की ऐतिहासिक नगरी है, और इसके जितना विकास होगा उतना विकास बल्लभगढ़ नगरी में हम कराएंगे, और बल्लभगढ़ विकास के क्षेत्र में कभी पीछे नहीं रहेगा। बल्लभगढ़ की जनता में कहीं ना कहीं दुख भी है कि हमारे विधायक बल्लभगढ़ के रोहित शर्मा मंत्री नहीं बन पाए। मंत्री बनना ना बनना ये अपने सरकार का ऊपर का नेतृत्व होता है, और विधायक बनना बहुत बड़ी बात है, विधायक बनने के लिए बहुत बड़ी लड़ाई होती है। मंत्री तो बिना विधायक के बन जाते हैं, बिना एमपी के बन जाते हैं, एमएलए और एमपी बनना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, जनता ने बहुत कुछ दिया, और मंत्री बनने से ज्यादा जो विकास शहर में हो कभी इतिहास में विकास नहीं। अंत में बल्लभगढ़ की जनता को कोई आप संदेश देना चाहेंगे? नहीं, बल्लभगढ़ की जनता को मैं एक ही संदेश दूंगा कि मोदी और मनोहर पे भरोसा रखें, और जितने विकास से कई गुना विकास हम कराने जा रहे हैं कि आने वाले समय में जब मनोहर की सरकार बनेगी बल्लभगढ़ में विकास इससे बढ़कर विकास होंगे, शहर में हर चीज पर विकास, चाहे हर क्षेत्र पर हम प्रकाश डालने का होंगे, चाहे दूसरे कहीं हम उसकी बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, या दूसरी और फ्लाई ओवर की बात करें, और आने वाले समय में हम एक अम्बेडकर चौक से लेकर ऊंचे गांव तक एक एलिवेटेड पुल लेके जाएंगे, जो बड़ा पुल होगा, 1 किलोमीटर का पुल होगा, और जाम मुक्त आप मोहना रोड को करेंगे, इस तरह का आने वाले समय में इस तरह का हम प्रयास। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।